दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, चाहे आप 10th की तैयारी करते हो, चाहे आप 12th की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। अगर आप इस रिवीजन के तरीके को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों रिवीजन का बेस्ट तरीका है, अगर आपने चाहे आप टाइम टेबल बना के पढ़ते हो, चाहे आप एक टारगेट बना के पढ़ते हो, सबके पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। आप चाहे कैसी भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको जो पूरे दिन में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ो या 5 सब्जेक्ट पढ़ो या आप 3 सब्जेक्ट पढ़ो, आपने टोटल जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको लास्ट में 3 घंटे देने पड़ेंगे रिवीजन को रात में, ठीक है। चाहे आप 8 बजे से दे सकते हो, चाहे आप 9 बजे से दे सकते हो, जितना भी आपके पास टाइम बचे उसके लिए। और जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो 45 मिनट दे सकता है पर सब्जेक्ट को। चाहे आप 4 सब्जेक्ट पढ़ो तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट या 1 घंटा, ठीक है। तो आपको रोज़ ऐसे करना है। कब तक करना है? तब तक जब तक आपका एक टॉपिक कम्प्लीट ना हो जाए, क्योंकि जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो वो कम से कम 2 से 3 दिन में टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपने 3 सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्लीट करे है एक या आपने 4 सब्जेक्ट के करे हैं, तो आपको उसका रिवीजन करना है पूरे दिन रिवीजन करना है। क्योंकि आपने जो पर डे उसका हाफ हाफ करके रिवीजन करा था ना, तो फिर आप उसका टॉपिक वाइज पूरा रिवीजन कर लोगे, वो आपका 7 से 8 घंटे में हो जाएगा। तो आपके लिए उस दिन आपको रिवीजन का रखना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, तभी आपके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। तो आपको ऐसे रिवीजन करना है। अगर आप ऐसे रिवीजन करोगे ना तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जो मैं बता रहा हूँ मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। सब टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करता हूँ और पर डे रिवीजन करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाई में और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सही है। तो अगर ये बेस्ट तरीका आपको लगा है ना रिवीजन का, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।